The internet is full of bro science fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar adab sat Akal, dosto kaise hain hai Dr. Paramjit. You are Doctor Education. Dosto, ham baat karenge aaj ब्लड थिनर्स के बारे में खून पतला करने की दवाइयाँ क्या होती हैं क्यों होती हैं कौन किसको लेना चाहिए कौन कौन ज़रूर लें किसको और देने का रिस्क क्या होता है उसका फ़ायदा क्या होता है इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपके साथ वार्तालाप करेंगे ऑन द ब्लड थिनर्स सो ब्लड थिनर्स के बारे में जानने के लिए देखते रहिए अगर आपको हार्ट की बीमारी है अगर आपको डायबिटीज़ है अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी बीमारी है यानी कि क्रोनिक इलनेस ब्लड प्रेशर थायराइड थाइरोयड मोटापा डायबिटीज़ तो ऐसे में आपको बहुत ही ज़रूरी है आ, ये प्रॉब्लम जो ब्लड थिनर जो है इसके बारे में नॉलेज हो नॉलेज मतलब अभी के अभी शुरू करना जरूरी नहीं होता है मगर आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों आपको लेना पड़ सकता है ब्लड थिनर तो इसीलिए वी विल टीच यू अबाउट ब्लड थिनर्स सो प्लीज डू ज्वाइन मी एंड कीप एक्टिव इसी वीडियो को लाइक का बटन दबा दीजिए शेयर कर डालिए फटाफट ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका फायदा उठा सके सो वट आर ब्लड थिनर्स सी बेसिक चीज है ब्लड थिनर्स प्रिवेंट ब्लड क्लॉट तो खून का थक्का क्लॉट ना बने या कम बने उसके लिए दिए जाते हैं ब्लड थिनर्स दिस ब्लड क्लॉट अगर कहीं कभी कभी हार्ट अटैक का कारण बन जाता है वेरी गुड ब्लड ब्लड थिनर जो है ब्लड का फ्लो एक खून की नस में अटका सकता है हार्ट अटैक कर सकता है और आपकी जान ले सकता है इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको दिए जाते हैं ब्लड थिनर सो ब्लड थिनर्स आप फिनिश हो गया वेरी गुड थैंक यू ब्लड थिनर जो है आप मुंह से खाके हुए भी ले सकते हो ओरली और ब्लड थिनर जो है इंट्रावेस्कुलर आईवी वाले भी आते हैं जो ब्लड क्लॉट को बनने से रोकते हैं ब्लड थिनर जो है डू नॉट स्टॉप कैन डू नॉट एक्चुअली अगर आप ब्लड क्लॉट बनने से रोकेंगे तो आप बचाएंगे वरना ब्लड क्लॉट आपके सिर्फ हार्ट को जाने वाले खून की नस में ब्लॉक नहीं करता हार्ट को भी कर सकता है लंग को भी कर सकता है ब्रेन को भी कर सकता है ही कर सकता है इसीलिए हार्ट अटैक स्ट्रोक जैसी बीमारियां होती हैं तो ऐसी बीमारियां जिसको हो चुकी हैं या जिसको हो सकती हैं जिसको हाई रिस्क है उसको ब्लड थिनर दिए जाते हैं और अगर आपको ऑलरेडी हार्ट डिजीज है हार्ट वेल्व डिजीज है हार्ट में रिदम प्रॉब्लम है तो ऐसे पेशेंट्स को ब्लड थिनर देना कंपलसरी हो जाता है जरूरी हो जाता है और ये बहुत जरूरी है कि आप ब्लड थिनर जैसे आपको डायरेक्ट किया है जितने डोज में जब जब लेना तब लग लें यानी कि डॉक्टर साहब मेरे को मजा मेरे को ना अच्छा लग रहा था मैंने एक कम ले लिया एक ज़्यादा ले लिया एक ऐसे ले लिया नहीं इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आप अगर सही डोज में रिकमेंडेड डोज में ना लो तो सबसे बड़ा सबसे बड़ी बात यह है कि वो डोज में लें जैसे आपके डॉक्टर ने आपको बताया है अब ले रहे हैं कौन सी दवा एस्पिरिन क्लोपिडो ग्रिल ऐसी कई सारी दवाइया आती हैं तो ये करती क्या है सम ऑफ द ब्लड थिनर्स और कैसे काम करती हैं राइट right? कुछ ब्लड थिनर एक्चुअली में ब्लड को थिन करते हैं टू कीप कैसे ये कैसे थिन करते हैं ये जो ब्लड के सेल्स हैं उसमें क्लॉट कैसे बनता है ब्लड के सेल्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं ये चिपका ये चिपका ये चिपका ये चिपका ऐसा क्लॉट बन गया सो so, ये क्लॉट ना बने तो ब्लड के थिन जो सेल्स हैं उसकी स्टिकीनेस को कम करते हैं तो चिपकेंगे नहीं तो क्लॉट नहीं बनाएंगे सो दैट्स वाई वेन्स और आर्टरी में क्लॉट नहीं बनता क्लॉट कम बनता है नहीं बनता है ज्यादा टाइम लेता है क्लॉट बनने के लिए ये सारी चीजें इनको कहते हैं एंटी प्लेटलेट्स एंटी प्लेटलेट बिकॉज प्लेटलेट्स नाम के सेल हैं जो आपके बॉडी के अंदर क्लॉट बनते हैं फिर देर आर समथिंग कॉल्ड एंटी कोट है ना प्लेटलेट्स और एंटी क्वेगुलेंट्स तो ये क्लॉट को बनने से रोकते हैं यानी ये दोनों चीज हो गई एक हो गया प्लेटलेट को जुड़ने से रोकने वाला एक है जो क्लॉट हो रहा है लेकिन क्लॉट होने के टाइम को बढ़ा देता है उसको बोलते हैं एंटी कोएगुलेंट एंटी प्लेटलेट जो प्लेटलेट को जोड़ने से रोकता है एंटी कोएगुलेंट जो क्लॉट बनने का टाइम बढ़ा देता है मतलब नॉर्मली अगर आपको चोट लगी तो वो एक दो मिनट के अंदर दस सेकंड में तीस सेकंड में रुक जाएगी ब्लीडिंग लेकिन अगर आप एंटी कोएगुलेंट लेते हो तो वो ब्लीडिंग टाइम आपका बढ़ जाएगा दैट इज द जॉब ऑफ एंटी कोएगुलेंट वो वो भी दिया जाता है किस किस केसेस में आज थोड़ी सी बातचीत समझाना जरूरी है तो इकोस्पिरिन एस्पिरिन डिस्प्रिन ये एक एंटी प्लेटलेट है क्लोपिडोग्रिल प्लेविक्स क्लैविक्स ये सारे ये एंटी प्लेटलेट है राइट सो प्लेटलेट्स के ऊपर काम करने वाले एंटी प्लेटलेट्स और, और एंटी प्लेटलेट का नाम क्या है डाई पैरामेडोल डाई पैरिडामोल या आ, टिक्लोपिडीन नॉर्मली एकोस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल सबसे कॉमनली दिए जाते हैं और एंटी यानी आपके ब्लड को कोएगुलेट होने की टेंडेंसी को कम करना या कोएक्लॉट बनने का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देने वाले अलग दवाइयां होती हैं जिनको कहते हैं वॉरफेन हिपैरिन या इनॉक्सीपैरिन क्लेक्सेन ये आपके चमड़ी के अंदर इंजेक्शन भी लग सकते हैं गोली भी आती है वॉरफरिन की और हिपेरिन आपका इंजेक्शन डायरेक्ट वेन में भी लग सकता है सो तो अलग अलग प्रकार के आते हैं एंटीकोएगुलेंट सो डिपेंडिंग अपॉन दिस और आजकल न्यूअर एंटीकोएगुलेंट भी आ गए नए एंटीकोएगुलेंट अब क्यों आते हैं न्यूअर एंटीकोएगुलेंट क्यों आ गए क्योंकि ये कोएगुलेंट जब हम करते हैं तो एंटीकोएगुलेंट से ब्लीडिंग का खतरा बढ़ेगा ऑब्वियसली हम ब्लड थिन कर रहे हैं तो ब्लीडिंग का खतरा बढ़ेगा ब्लीडिंग का रिस्क होगा सो ऐसा देखा गया वॉरफरिन हिपैरिन इनॉक्सीपैरिन जो है ऐसी दवाएं में ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा है इसीलिए हिपैरिन और इनॉक्सीपैरिन हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट्स को दिया जाता है वॉरफरिन जिसको दिया जाता है उसका रेगुलर पीटी आई करते देखना पड़ता है हफ्ते में दो हफ्ते में महीने में ऐसे करते रहना पड़ता है कि खून कितना पतला हुआ पी टी एक टेस्ट है प्रोथ्रोम्बिन टाइम उससे पता चलता है कि खून कितने देर में क्लॉट होता है कितना पतला हुआ है ए एक और ना एक्टिवेटेड प्रोथ्रॉम्बिन टाइम एक और टेस्ट है जो एडमिटेड पेशेंट्स का हिपेरिन इन्फ्यूजन पे हिपैरिन दिया जाता है उसको किया जाता है सो so, इसीलिए एक न्यूअर एंटीकोएगुलेंट आए जिसका नाम जो आते हैं जिसमें ब्लीडिंग रिस्क थोड़ा कम है मतलब उसमें फिर रेगुलरली पीटीआई एन एडमिट जो पेशेंट ओपीडी बेसिस पे उनको नहीं दिया जाए उसको फिर करना नहीं पड़ता ऐसे आते हैं उनका नाम है प्रेडेक्सा डबी यानी एपिक्साबैन रिवोरॉक्साबैन जेराल्टो एक्विलिस ये वाली नाम आपने कोरोना में भी सुने हैं कोरोना वाले पेशेंट्स में जिसको हाई रिस्क होता है क्लॉट बनने का उनको रिवर ऑक्सीबैन जेराल्टो देने की बात हो रही थी कि उनको जेराल्टो दो रिवर ऑक्सीबैन दो दो देोस्परिन दे। से काम नहीं होगा रिवर ऑक्सीबैन लेना पड़ेगा छोटा भाई रिवर रिवरऑक्सीबैन बड़ा भाई क्योंकि रिवर ऑक्सीबैन एंटीवायोलेंट है एकोस्प्रिन एंटीप्लेटलेट है अब आपको पता है कौन सा क्या है सो so, ये दोनों जो है थोड़ी पावरफुल मेडिसिन है प्रिवेंट कर सकती है रिस्क बचा सकती है आपकी जान बचा सकती है जो इफेक्टिव है वो डेंजरस भी होता है इसलिए डॉक्टर की निगरानी में देना पड़ता है केयरफुली लेना होता है डोज इंपॉर्टेंट है इसका डॉक्टर से डिस्कस करना और एवरी नाउ एंड देन इसके बारे में बात करनी कि भाई हां मैं ये कम करूं नहीं करूं कितना रखूं किसको कब तक लेना है कई बार हार्ट अटैक या स्ट्रोक वाले पेशेंट्स को एंटीप्लेटलेट एटलीस्ट एक एंटी प्लेटलेट इकोस्प्रिन क्लोपिडोग्रल में से कोई एक बहुत लंबे समय तक देते हैं प्रिवेंशन के लिए ठीक है और जिन लोगों की वैल्व का ऑपरेशन हुआ होता है उसको एंटीकोगुलट देते हैं डबी कार्टान रिवर ऑक्सीबान ऐसे कोई ना कोई एक देते हैं या फिर वॉरफेन ऐसी चीज देते हैं तो ये आपको याद रखना है कि ये दिया जाता है ताकि क्लॉट ना बने क्लॉट से स्ट्रोक हो ये चीज ना हो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके कम किए जा सकते हैं हो सकता है नहीं कम किए जाएं हो सकता है लंबे समय तक आपको कोई साइड इफेक्ट आए हो सकता है नहीं आए साइड इफेक्ट इज दर वॉट आर द साइड इफेक्ट्स एंड क्या इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैसेज आपको लेना है सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज आपको लेना है कि जब आप एंटी प्लेटलेट वाली दवा पे हैं तब आपको अपना टेस्ट नहीं करना पड़ता कि मेरे को पी टी आई एन आर नाम का टेस्ट करना है रेगुलर अपना खून कितना पतला हुआ नहीं करना पड़ता जब आप एंटी क्वैगुलेंट पे हैं अगर आप एंटी क्वेगुलेंट वॉरफेरिन या रिवरऑक्सीबान डबिगार्टरान या पे हैं तब आपको अपना कोएगुलेशन वाला टेस्ट करना पड़ता है बीच बीच में यानी नाम का टेस्ट करना पड़ता है बीच बीच में राइट right? एम नाम की दवा ले रहे हैं तो भी वो भी एक एंटी so ये दवाइयों को नाम याद रखिए उसका मैकेनिज्म समझिए एंटी कोएगुलेंट मतलब खून पतला यानी कि क्लॉट बनने का जो टाइम है वो उसको दो से ढाई गुना बढ़ा देते हैं कितना बढ़ा देते हैं दो से ढाई गुना इसीलिए जो पीटीआईएनआर है उसको नॉर्मल से डबल या ढाई गुना तक इस रेंज में रखना होता है दो से ढाई गुना और जो एंटी प्लेटलेट है उसमें ऐसा कोई नहीं है पर एंटी कोएगुलेंट जब देते हैं तो दो से ढाई गुना देते हैं या तब देते हैं या तो हमें क्लॉट अंदर बन गया है उसको घोलाना है या तो क्लॉट बनने से रोकना है जब हमने अंदर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट लगाया जैसे कि अगर मान लो आपको अंदर कोई आ, वैल्व लगाया है प्रोस्थेटिक वैल्व आपका वैल्व रिप्लेसमेंट हुए तो बाहर से लगी हुई वैल्व पे क्लॉट्स बन सकते हैं इसीलिए वो पेशेंट कई सालों तक एंटीकोएगुलेंट पे रहता है ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है तो यहां पर यह मैसेज है कि आप समझें खून पतला करने की दवाएं के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स एंटीप्लेटलेट एंटीकोएगुलेंट ठीक है तो यह हुआ एक पार्ट और अभी देख लेते हैं कुछ सवाल हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे आ, कि उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और दूसरी दवाओं के साथ ड्रग इंटरेक्शन क्या है हर्बल मेडिसिन के साथ ड्रग इंटरेक्शन क्या है और फिर देखेंगे कि नेचुरल ब्लड थिनर नाम की चीज होती है क्या सो विल बी डेर